Brought to you by ITEL. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आज शुरुआत करेंगे इजराइल हमास की जंग से। देखिए, वो जंग लगातार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच कई बार सीज फायर को लेकर मांग उठी है, लेकिन लगातार फिर से वही हवाई हमले हो रहे हैं। इसी बीच इसराइल ने फिर से रफा शहर पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। रफा में बड़ी संख्या में लोग इजरायली बमबारी से बचने के लिए रहते हैं, जहां पर उन्होंने पनाह ले रखी है। बमबारी ऐसे समय पर की गई जब इसराइल के साथ सीज फायर को लेकर मिस्र की मेज़बानी में हमास के नेताओं के साथ संभावित चर्चा हो सकती है। इसराइल ने हमास को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। हमास के खात्मे को लेकर शुरू किए गए इसराइल के सैन्य ऑपरेशन में 34,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इस जंग की वजह से 23 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। ये जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसराइल ने दक्षिणी गाजा के रफा शहर पर यह हमला किया है, जिस पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। सीज फायर को लेकर लगातार मांगे उठाई गई, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर, जो सचिन के साथ शादी करके रह रही हैं, अब उन दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल जो सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर, वो पाकिस्तान में है, जो अब जून में भारत आएगा। कोर्ट ने उसे आदेश दिया है कि वो कोर्ट में पेश हो और अपने तमाम सबूतों को कोर्ट के सामने पेश करें। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर नोएडा कोर्ट ने गुलाम हैदर को सीमा सचिन मामले में सबूत लेकर पाकिस्तान से भारत हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुलाम हैदर को तमाम सबूत और साक्ष्यों के साथ 10 जून 2024 को कोर्ट में पेश होने को कहा है। भारत में गुलाम हैदर के वकील ने कहा कि गुलाम हैदर ने उनके जरिए कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सीमा खुद को सचिन की पत्नी क्यों बता रही है, जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स में सीमा हैदर गुलाम हैदर की पत्नी है। यानी कि जो गुलाम हैदर है, उसका कहना यही है कि वो अभी तक भी गुलाम हैदर की पत्नी है, तो वो अपने आप को सचिन की पत्नी क्यों कह रही है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने गुलाम हैदर को पाकिस्तान से भारत बुलाया है, जो कि जून में कोर्ट के सामने पेश होगा और अपने सबूतों को कोर्ट के समक्ष रखेगा। और अगला मामला ब्रिटेन से सामने आया, जहां पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कत्ल करने का आरोप एक शख्स पर लगा है। हैदराबाद का रहने वाला है शख्स, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को चाकू से उसकी हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहती थी और इस वजह से गुस्से में आकर परेशान होकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार डाला। यानी कि एक ऐसी मोहब्बत जहाँ पर अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया तो उसने उसकी जान ले ली। दरअसल हैदराबाद का रहने वाला 25 साल का श्रीराम अम्बरला ने 2 साल पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोना बीजू की हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले उसने गूगल पर सर्च किया था कि किसी शख्स को चाकू से तुरंत कैसे मारा जाए। अब इसे 16 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। दरअसल अम्बरला सोना ने शादी करना चाहता था, लेकिन सोना ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद एक दिन आरोपी उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सोना काम करती थी। वहां उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी ना करने पर जान से मारने की धमकी दी। हालांकि वो फिर भी शादी करने के लिए नहीं मानी। सोना ने कहा था कि वो उसके हिसाब से नहीं रह सकती। इसके बाद अम्बरला ने उसकी गर्दन पकड़ी और उस पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने आया है वो ये है कि आरोपी को 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा के प्रवक्ता ने बताया कि एक जज को किडनैप किया गया था। बंदूकधारियों ने एक जज को किडनैप किया था, लेकिन अब उन्हें ढूंढ लिया गया है। जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया ने जो तस्वीरें जारी की हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। यही वो जज हैं जिनको किडनैप किया गया था, लेकिन फिलहाल वहाँ की पुलिस ने इनको ढूंढ निकाला है। दरअसल जज को 27 अप्रैल को अफगानिस्तान की सीमा से लगे टैंक और डेरा इस्माइल खान ज़िले के पास किडनैप कर लिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के जरिए दिखाई गई तस्वीर जज की है। फिलहाल अपहरण किए गए जज को कैद से रिहा कर दिया गया है। जज के ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। मौके से गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि देश खैबर पख्तूनख्वा के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हथियारबंद लोगों द्वारा जज को किडनैप किया गया था। इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल इन जज को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। यही वो तस्वीर है जो आपको दिखाई जा रही है।
और अगली खबर, रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी द्वारा एक समूह को बनाए गए जिस समूह में काम करने वाले दो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इन पर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इन्हें अभी फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। रूसी अदालत ने आरोप की सुनवाई होने तक दोनों पत्रकारों को हिरासत में रखने का आदेश दिया है। नवलनी द्वारा स्थापित समूह के लिए काम करने वाले इन दो रूसी पत्रकारों को उग्रवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नवलनी की फरवरी में रूस की जेल में मौत हो गई थी। इस पर उनके समर्थकों और परिवार ने हत्या का आरोप लगाया था। दोनों पत्रकारों की गिरफ्तारी रूस में स्वतंत्र मीडिया पर सरकार की कार्रवाई का उदाहरण है। 2 साल से ज़्यादा समय पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस में मीडिया पर कार्रवाई तेज हो गई थी। फिलहाल इन दो पत्रकारों को उग्रवाद के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।